महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन जैन समाज की ओर से सुरेश भट्ट सभागृह में किया गया। कार्यक्रम में 10 विभिन्न समूह ने हिस्सा लिया। लगातार पिछले 2 साल से विजेता रही परवार पूरा महिला मंडल से हमारे BCN टीम ने संवाद साधा। उन्होंने बताया कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम पिछले 25 सालों से करते आ रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। महावीर भगवान जी के पंच कल्याणक के उपलक्ष में हमने ये प्रोग्राम रखा है, और इसमें जैसे भगवान जी का जन्म होता है, भगवान जी के पांचों कल्याणक को दर्शाया है। और मैं फर्स्ट टाइम महिला मंडल ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हम 2 से 3 सालों से फर्स्ट आ रहे हैं, और कोरोना के कारण ये थर्ड ईयर है। 2 साल से हमारे डांस नहीं हुए और थर्ड ईयर है डांस हमारा। हमें हैट्रिक करना है इस साल, हमें हैट्रिक करना। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आप देख ही रहे होंगे, हम सब लोग बहुत खुश हैं। और हमारे जो सर है, माही सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छी से गाइड किया है और बहुत अच्छी से परफॉर्मेंस हमारा बिठाया है, उसके लिए थैंक यू माही सर। परवार पूरा महिला मंडल से हम हमेशा इस प्रस्तुति देते आ रहे हैं, और पिछले 2 सालों से ये बंद था, तो इसलिए हम कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है इस साल, और इसकी तैयारी हम पिछले 20-25 दिनों से कर रहे हैं। यहाँ पर श्री महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाया जा रहा है, उस उपलक्ष में यहाँ पर जैन सेवा मंडल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज नृत्य नाटिका 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न नागपुर से आए हुए विभिन्न मंडल ने कार्यक्रम में भव्यता से भाग लिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रीता हड़के, BCN न्यूज़ नागपुर।